लीसा, मैं नीतू सिंह चौहान और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर बिल्कुल अलग तरीके से, जिसमें नए पालक को हम उबालेंगे और इजीली पालक पनीर बना देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पालक पनीर की रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। खड़े गरम मसाले डालेंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्ची, लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 स्लाइस किया हुआ प्याज, 2 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, 1 कटा हुआ टमाटर, 150 ग्राम कटा हुआ पालक जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, 1 कटा हुआ हरा धनिया, 1 फ्लेम पे इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। ढक्कन लगा देंगे। अभी सब्जियां पक चुकी है, अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करके इन्हें मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। फ्लेम को बंद कर देते हैं। अभी हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, तेल गरम हो गया है, अभी हम इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, एक चम्मच कसूरी मेथी, फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसी के अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हमने जो सब्जियां पीस के रखी थी वो डाल देंगे। तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। अभी हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे, दही थोड़ा गाढ़ा हो।
दो चम्मच मलाई डालेंगे। मलाई को भी हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और इसी के साथ हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसमें पनीर डालेंगे। ये घर का बना पनीर है। मेरे चैनल पे पनीर बनाने की रेसिपी दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। घर पे पनीर बनाना बहुत ही आसान है। घर पे बहुत ही दानेदार पनीर बन के आता है। पनीर डालने के बाद हम इसे एक मिनट के लिए और पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर हम इसमें एक स्पेशल तड़का देंगे। तड़के के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में देसी घी डाला है। अभी हम इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन की कलियां हल्की सुनहरी हो जाएगी तो सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।